सो लैड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21a डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग सेव कहाँ होती है। एक्चुअली गाइस क्या है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 11 या फिर 12 का लेटेस्ट वर्जन होगा तो डेफिनेटली आपको भी कॉल रिकॉर्डिंग का जो फाइल है वो आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है एक्चुअली सेव कहाँ पर होती है। तो काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजिंग होती है कि सर जो हमें फाइल नहीं मिल रही है कि हमने जो कॉल को रिकॉर्ड करी एक्चुअली वो मिल नहीं रही है, तो ये सारी चीज़ें होती है, जितना चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबके डाउट क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप इजीली ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको फोल्डर्स। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉल वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं वो जाता था फाइल मैनेजर के अंदर, जिसमें एक रिकॉर्डिंग फोल्डर्स बना होता है उसके अंदर। तो हमें फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिया नहीं गया है, और मे भी हो सकता है आपके भी फ़ोन में फाइल मैनेजर का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर है तो आप डेफिनेटली वहाँ से इजीली ढूंढ सकते हैं। नहीं है तो ऐसे केस में आपको गूगल फाइल दिया गया होगा ये वाला। तो अगर आपके पास गूगल फाइल है आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आ रहेंगे आपके पास है गूगल, थोड़ा गूगल फाइल का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पर आएंगे और आपके पास यहाँ पर मोस्ट ऑफ रिसेंसर जो भी चीज़ें होंगी, वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ दिख जाएंगी, डाउनलोडेड आपको यहाँ पर दिख जाएगा एंड वीडियोज़ वगैरह आपको दिख जाएंगी। क्लीन पर क्लिक करके यहीं से आप स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करके यहाँ से किसी भी फ़ोन के और अंदर आप जो है किसी फ़ोन के अंदर आप अपने डाटा वगैरह को शेयर कर सकते हैं यहाँ से। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पर जाएंगे। अब हमने रिकॉर्डिंग्स जो रिकॉर्डिंग्स करी है, अगर हम रिकॉर्डिंग फोल्डर्स में जाते हैं, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग करी ऑलरेडी लेकिन यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग शो नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है कि हमारी रिकॉर्डिंग एक्चुअली जाती कहाँ है। तो चलो हम रिकॉर्ड भी करेंगे कॉल को और दिखाएंगे कि कहाँ जाती है। इसके लिए फ़ोन डायलर को आप ओपन करिए। इसके बाद मैंने 198 डायल करा ऑलरेडी, इसको मैं कॉल करूँगा। कर दे रहा हूं। अब यहां पर आपको देखना है कि रिकॉर्डिंग्स गई कहां इसकी। अगर मैं आपको पहले में बताया कि यहां पर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने करी है, लेकिन आपको दिखा देता हूं एक बार और कि मैंने जो कॉल रिकॉर्ड करी है अभी भी यहां पर नहीं है, लेकिन ये आती कहां पर है। और इसके लिए आपको करना है फोन डायलर को ओपन करेंगे। जिस भी नंबर की जो भी आपने कॉल को रिकॉर्ड करी है उसके लिए आप एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो अभी जो रिकॉर्डर का फोल्डर आपको दिख जाएगा वो यहाँ पर एक्चुअली है, जो हमने कॉल रिकॉर्ड करी है वो यहीं पर दिख जाएगा। यहीं से हम इसको प्ले कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारी भी वॉइस आ रही होगी और यहाँ पर एक जो कंप्यूटर बोल रहा है वो भी यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो यहीं से हम इसको शेयर भी कर सकते हैं शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहीं से डायरेक्टली हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, नोट स्पैम का ऑप्शन है, हिस्ट्री वगैरह भी हम यहीं से देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आप समझे होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है वीवो के Y21a डिवाइस के अंदर। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ भी फॉलो करके अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो। फिलहाल गाइस हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।